पीथमपुर औद्योगिक विकास निगम द्वारा पीथमपुर नगर पालिका परिषद को संपत्ति कर जमा नहीं करने हेतु एक परिपत्र जारी किया गया था। इस आशय का एक पत्र औद्योगिक विकास निगम ने पीथमपुर नगर पालिका को भी उद्योगों से टैक्स वसूली नहीं करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अधिकांश उद्योगपतियों ने पीथमपुर नगर पालिका को टैक्स देना बंद कर दिया था। इससे नगर पालिका की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। वर्तमान परिषद द्वारा इस संबंध में परिषद की बैठक में अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव रख औद्योगिक विकास निगम के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दायर करने के लिए नगर पालिका परिषद पीथमपुर के अध्यक्ष श्रीमती सेवंती सुरेश पटेल को अधिकृत किया गया। इसके तहत एडवोकेट विवेक दलाल के माध्यम से पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 28 मई 2024 को पीथमपुर नगर पालिका को स्टे दे दिया गया। औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों से टैक्स वसूली पर जारी आदेश के तहत रोक लगाने के बाद नगर पालिका पीथमपुर उद्योगों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रही थी और इससे नगरीय निकाय को लाखों रुपए सालाना का नुकसान हो रहा था। निकाय के विभिन्न विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पीथमपुर की जनता के हित में हर निकाय द्वारा पीथमपुर के सभी उद्योगों से एक वसूली कर जनहित के विकास कार्य आगे निरंतर करेंगे। देखिए, विगत वर्षों में एकेवीएन ने जो अपना एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था, उसको एरिया को नोटिफाई करके उन्होंने पृथक किया था और नगर पालिका को जो है टैक्स लेने से वंचित कर दिया था। साथ ही उद्योगों को भी ये कहा था कि नगर पालिका को वो आगे से जो है संपत्ति कर और अन्य कर जो है नहीं देंगे। चूँकि ये सारा क्षेत्र जो है वो नगर पालिका की सीमाओं में निहित है और नगर पालिका को संपत्ति कर वसूल करने का, भवन निर्माण की अनुमति देने का, कॉलोनी विकास करने का पूर्ण अधिकार है, संविधान से प्रदत्त अधिकार है। इससे व्यतीत होकर परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की थी और पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेकर जो पत्र एकेवीएन ने जारी किया था उस पर स्टे कर दिया है और नगर पालिका अब जो है उसमें टैक्स वसूल कर सकती है। सर, इसमें कितना टैक्स होता था ईयरली? लगभग ये लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों का वार्षिक कर वसूल होता था जो कि हमें नहीं मिल पा रहा था। अब उम्मीद है कि ये राशि हम लोग वसूल कर पाएंगे और उद्योगों से भी मेरी अपेक्षा है कि वो भी इस राशि को जमा करेंगे जिससे नगर पालिका मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रख सके। आपका नाम बता दें? निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।